नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से और आपका परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके आंखों के सामने होगा बड़ा चमत्कार। जी दोस्तों 100% आपकी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली है। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में माता का वह चमत्कार चलेगा जिन्हें दोस्तों आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दिल खुशी से गदगद हो जाएगा। घर में भी आपका लोग बहुत ही सराहना करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में ऐसा चमत्कार शायद पहली बार ही हुआ होगा। जी दोस्तों जब आपके जीवन को ही पूरी तरह बदल देंगे। जी दोस्तों तो दोस्तों ऐसे में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़ी सफलताएं बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, हर एक बातें बहुत ही गहरी तरीके से आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपका क्या दायित्व होता है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ हम आपको खुशखबरियाँ बताएंगे साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको एक दो ऐसी विशेष सावधानियाँ बताएंगे जिन्हें दोस्तों अगर आप करेंगे तो दोस्तों लक्ष्मी माता रानी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगा और आपके जीवनकाल में कभी भी दुख नहीं आएंगे, कभी भी सुख की कमी नहीं होगी। जी दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी माता रानी का सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों माता रानी का असीम आशीर्वाद आप सभी को अनन्य प्राप्त होगा। जी दोस्तों तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री राधे कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से। जी दोस्तों यह ज्ञान है श्री राधा चरण रज। जी दोस्तों एक बार एक ठाकुर जी और राधा रानी राज के बाद निवेदन में वापस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नजर राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में बजरज लगी थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी आपके चरणों में बजरज लगी है, आप यमुना जल में अपने चरण को धो लीजिए। राधा रानी ने साफ मना कर दिया और बार बार ठाकुर जी चरण धोने को कहते और राधा रानी मना कर देती। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा तो माता रानी राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों में लग जाए मैं उसे दूर नहीं करती। जी दोस्तों दोस्तों आप भी अपने जीवन काल को राधा रानी में समर्पित कर दीजिए, लीन हो जाइए राधा रानी में। दोस्तों आपके जीवन काल की सारी परेशानियां राधा रानी हर लेंगे। जी दोस्तों तो दोस्तों यह समय आपको यह राधा रानी का ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो या बात में विश्वास हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय हो राधा रानी। जी दोस्तों तो आए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी आंखों के सामने कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी माता रानी देने वाली है। जी दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको माता रानी के कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें दोस्तों अगर आप कर लेंगे, जिन्हें अगर आप सिर्फ सुन लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा असंभव बदलाव होगा जिन्हें आप कभी सोच नहीं सकते थे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राधा रानी का आशीर्वाद अब आप सभी के जीवन काल पर आ चुके हैं और दोस्तों अब आपको अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। यूं कहें तो आपकी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार होगा कि आपका पूरा दिनचर्या व्यवस्थित और मन मुताबिक तरीके से काम आपका बनेगा, आपका समय व्यतीत होगा, कुछ समाधान भी आपको इसमें प्राप्त होंगे जिससे आप अपने आप को फिर से ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। राधा रानी के आशीर्वाद से युवाओं को करियर संबंधी उपलब्धि मिलने की उम्मीद है। यश में दोस्तों आपकी उम्मीद वापस मिलने वाले हैं, जो आपने उम्मीद खो दी थी कि यह कार्य हमारा नहीं बनेगा। दोस्तों यश में राधा रानी के आशीर्वाद से वे कार्य आपके बनने वाले हैं। ये दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आप किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी और यश में राधा रानी के आशीर्वाद से आपको आवाजाहों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए तथा अपने कार्यों में ही मस्त रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों घर से बाहर की जो भी कार्य हैं उन्हें यश में टाल दें। राधा रानी कहते हैं कि सफलता मिलने पर
यही लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों यशमय राधा रानी के आशीर्वाद आप सभी के जुनकाल पर ऐसा होगा कि कोई शुभ समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यशमय घर स्थिति भी राधा रानी के आशीर्वाद से बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। घर में किसी आवाजाही सदस्य की विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। दोस्तों प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी, जिससे दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। घर परिवार में खुशियां छाने वाली है। राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में आपकी हर स्थिति को बदल देंगी। यूं कहें आपकी जिंदगी को ही यशमय बदलने वाले साबित होंगे। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रफुल्लित करने के लिए आपका उचित समय होगा। राधा रानी कहते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करें, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यशमय समय व्यतीत होगा और बहुत ही अच्छा आप यशमय खुशी की अनुभूति करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमय राधा रानी का चमत्कार आप सभी के जुनकाल पर आने वाले 3 दिनों में ऐसा होगा कि राजकीय कार्यों को पूरा करने का समय आएगा, उनमें अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। साथ ही दोस्तों कहीं से सहयोग भी यशमय आपको मिलेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर राधा रानी के आशीर्वाद से आपको ऐसा सुसमाचार मिलेगा जिनसे आपका दिल और अंदर आपका विश्वास और नई ऊर्जा भी जागृत होगी। आप बहुत ही अच्छा यशमय अनुभव करने वाले हैं। पारिवारिक यात्रा भी यशमय संभव हो सकता है। राधा रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके किसी सराहनीय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशंसा होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को किसी प्रोजेक्ट के प्रति मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी का मन प्रसन्न रहेगा। राधा रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अपनी ऊर्जा क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखें। दूसरों को अपने निजी मामलों से दूर रखें। आपके लिए लाभदायक और फिर खुशी भरी स्थितियां बन रही है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेंगी। नजदीकी संबंधियों के साथ आपका मेल मिलाप रहेगा और माता राधा रानी के आशीर्वाद से यह मेल मिलाप भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि यशमय आपको हर क्षेत्र से काम मिलने वाले हैं। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, राधा रानी के आशीर्वाद से व्यापार में उन्हें बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाले हैं, जिनसे उनका मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेगा। आपको बता दें कि राधा रानी के आशीर्वाद से आने वाले 3 दिनों के अंदर 72 घंटों के अंदर ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। जो चाहे आप वह कार्य कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यश में राधा रानी का मंत्रों का स्मरण करना होगा। राधा रानी के भक्ति में लीन रहना होगा। अपने मस्तक को उनके चरणों में सौंपना होगा। यानी कि दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर जय राधा रानी, जय राधा रानी ऐसे बातों को बोलना है, ऐसे मंत्रों को जपना है। दोस्तों यकीन मानिए राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर आजीवन रहेगा और 3 दिनों के अंदर ये सभी खुशियां आपके कदमों में आएंगी और कोई भी दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बस दोस्तों राधा रानी में आपको लीन रहना है और जो भी माता राधा रानी कहते हैं, जो भी आपको संकेत देते हैं, जो भी आपको स्वप्न देते हैं, दोस्तों उन सभी को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। सभी बातों को बहुत ही भक्तिभाव तरीके से लेना है। बस आप राधा रानी पर यश में विश्वास करें। 3 दिनों के अंदर आपके सभी कार्य बनेंगे, हर सपने सच होंगे। जिन कार्यों में आपने बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, दोस्तों उनका परिणाम भी यशमय मिलने की पूरी संभावना बन रही है। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। राधा रानी के आशीर्वाद से आप कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि आपकी सराहना तो होगी, साथ ही साथ दोस्तों आप गड़बड़ी में भी अपने दिन को भी बहुत ही अच्छा बना लेंगे। फाइनेंस संबंधी जो भी क्रियाएं हैं दोस्तों, उनमें यशमय सुधार आने वाली है। राधा रानी के आशीर्वाद से पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो यशमय उनकी आसानी से हल होने की संभावना बनेगी, क्योंकि राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल पर रहेगा। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। परिवार के साथ भी शॉपिंग कार्यों में भी आपका उचित समय व्यतीत होगा। राधा रानी के आशीर्वाद से दिन भर की सुख सुविधा संबंधी कार्यों में, जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में व्यतीत होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर स्नेह परिवार पर बना रहेगा। राधा रानी के आशीर्वाद से आपका जो अधिकतर काम है वह सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे, जिनसे आप बहुत ज्यादा राहत की अनुभूति करने वाली है। जी दोस्तों, दोस्तों वीडियो के अंत में श्री राधा रानी का एक बहुत ही अच्छा ज्ञान। दोस्तों श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है।
श्री राधा नाम जैसा कोई मंत्र नहीं, यह स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी श्री राधा को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम को जो आश्रय लेते हैं, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेके चलते हैं, बाएं वरुण देवता छत्र लेकर चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी का नाम। बस एक बार उसके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। दोस्तों, वो जरूर कृपा करेंगी और आपके सारे बिगड़े कार्य बना देंगे। दोस्तों, मेरी विनती यही है कि राधा रानी की कृपाएं आपके ऊपर हमेशा बढ़ती रहे, हमेशा पड़ती रहे। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राधा रानी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।